आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि हमारे जो जैविक कृषि केंद्र धारक हैं वो अपना परचेज ऑर्डर यानी कि शॉर्ट में कहें तो PO कैसे लगाएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपके सेंटर को लॉगिन कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम आपको वो ना बता के डायरेक्ट हम लॉगिन पेज से शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, लॉगिन पेज में सबसे ऊपर अपना लॉगिन ID और उसके नीचे अपना पासवर्ड लिखना होता है। तो बिल्कुल वैसे ही अपना लॉगिन ID और पासवर्ड टाइप कर दीजिए और लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद साथियों, जो ऊपर आपका 3 लाइन बना हुआ है और 4 लाइन बना हुए हैं, इस पर क्लिक करेंगे और देखिए नीचे से 4th नंबर पर यहाँ पे लिखा हुआ चैनल सेल, तो चैनल सेल पे क्लिक करेंगे। चैनल सेल पे क्लिक करने के बाद साथियों, देखिए सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो है आपके PO रिक्वेस्ट का है, यहीं से आपका परचेज ऑर्डर यानी कि PO रिक्वेस्ट लगाया जाता है। तो हम PO रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। PO रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर जिस सेंटर से आपका मैप होगा, जैसे किसी आपका डिपो से मैप है तो डिपो का नाम और एड्रेस आएगा, जहाँ से आपको प्रोडक्ट मिलेंगे वहाँ का एड्रेस और नाम आएगा। तो देखिए सबसे ऊपर जिस जो सेंटर मैंने लॉगिन किया है वहाँ पे वेयरहाउस का नाम आ रहा है, जो बरेली वेयरहाउस है। तो आप पहले चेक कर लीजिए लॉगिन करते ही कि आप जहाँ पे ऑर्डर लगा रहे हैं उस लोकेशन का नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसके बाद आगे के प्रोसेस करेंगे। आगे का प्रोसेस कैसे, जैसे आप उसी के नीचे जस्ट लिख है ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट के आगे प्लस का साइन बना हुआ है, यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और उस प्रोडक्ट का कोड डाल देंगे जो प्रोडक्ट आपको ऑर्डर करना है। जैसे मैंने ग्रोथ प्रमोटर डाल दिया A001। उसके बाद कितनी क्वांटिटी का आपको चाहिए, तो मैंने 100 डाल दिया कि 100 क्वांटिटी का चाहिए। उसका रेट आपके सामने आ गया और हमने सेव कर दिया। सेम इसी तरीके से और अगर कोई और भी प्रोडक्ट आपको ऐड करने हैं, जैसे हमें सॉइल पावर भी ले मंगवाना है, तो हम सॉइल पावर का कोड A005 और सेलेक्ट कर लेंगे। उसकी क्वांटिटी जैसे हमें 50 चाहिए तो 50 हमने सेलेक्ट कर लिया और सेव कर दिया। इसी तरीके से और भी कोई प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए, जैसे मान लेते हैं हमें सेवियर चाहिए, तो A009 हमने टाइप कर दिया और सेलेक्ट कर लिया उसका नाम, क्वांटिटी डाल दी 100। इसी तरीके से आपको जितने भी प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाना है, ऐड प्लस ऐड करते हुए आपको चले जाना है। और लास्ट में देखिए, अगर मान लीजिए आपको ये 3 प्रोडक्ट चाहिए था तो आपने 3 प्रोडक्ट ऐड कर लिए, तो उस 3 प्रोडक्ट का टोटल कितना अमाउंट बन रहा है वो अमाउंट आपके सामने शो हो जाएगा। ये सारी चीज़ें एक बार क्रॉस चेक करने के बाद कि जो प्रोडक्ट आपको चाहिए था उतने क्वांटिटी का ही PO लगा है, अगर आप श्योर हैं कि हाँ ठीक है मुझे इतना प्रोडक्ट चाहिए था, इतना ही मैंने ऐड किया है प्रोडक्ट को, फाइनल करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर जो सबसे कॉर्नर में है सेव, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपका जो PO है वो जिस लोकेशन पे आपने ऑर्डर किया है उसके पास पहुँच चुका है आपका ऑर्डर। देखिए यहाँ PO सेव होते ही आपके सामने नीचे यहाँ पे लिख के आएगा रिपोर्ट में कि PO की डेट और टाइम, PO का नंबर क्या है, PO का अमाउंट कितना है और PO लगा कहाँ पे है, उसकी जगह का नाम, PO का स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, अभी आपने लगाया है तो वो पेंडिंग ही है, जब उधर से प्रोसेस हो जाएगा तो यहाँ पे इन प्रोसेस दिखाएगा, और इन प्रोसेस के बाद जब आपके पास प्रोडक्ट पहुँच जाएगा और आप रिसीव कर लोगे तो यहाँ पर कम्प्लीट दिखाएगा। साथियों इसी तरीके से हमें अपना PO लगाना है। इतना करने के बाद आपको वापस आ जाना है, आपका PO लग चुका है, अब आगे का काम जहां आपने PO लगाया है उनका है। अगर आपको मान लीजिए कि आज आपने PO लगाया, कल आपको देखना है कि हमारे PO का प्रोसेस क्या है, तो आप सीधे वहाँ चैनल सेलर पर जाएंगे। चैनल सेल पर जाने के बाद PO रिक्वेस्ट रिपोर्ट पर जाएंगे और यहाँ पर डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे, जिस डेट से जिस डेट का चाहिए, और देखिए आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी PO की, वही सेम जो मैंने अभी दिखाया था, वहाँ पे PO का स्टेटस दिख जाएगा। अगर आपको मान लीजिए व्यू करना है कि मैंने क्या क्या लगाया था, तो व्यू पे क्लिक करेंगे, दिखाएगा कि आपने रैपिड एक्टिवेटर, रैपिड ग्रोथ प्रमोटर 100, सॉइल पावर 50, सेवियर 100 जितने का ऑर्डर लगाया था। अब साथियों मान लीजिए किसी भी कंडीशन में आपको
आपका पीओ गलत लग गया है या कोई प्रोडक्ट जो आपको चाहिए था वो ऐड नहीं हुआ है या जो आपने ऐड किया है उसमें क्वांटिटी ज़्यादा या कम हो गई है, तो इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। इस पीओ को आप कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करके दूसरा पीओ लगा सकते हैं, जैसे आपने अपने आपको मैंने भी दिखाया था। तो अभी हम पीओ कैंसिल कैसे करेंगे वो देखते हैं। सेम प्रोसेस है, आप वही फोर लाइन पे क्लिक करेंगे, चैनल सेल पे जाएंगे और पीओ रिक्वेस्ट रिपोर्ट पे जाएंगे जो यहाँ पे है सेकंड नंबर पे, इस पे क्लिक करेंगे, डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे, जिस डेट में आपने पीओ लगाया था उस डेट से आज तक की डेट, और ये रिपोर्ट खुल के आपके सामने आ जाएगी। अगर आपको कैंसिल करना है तो आप यहाँ से ये यहाँ पे व्यू के ऊपर कैंसिल का ऑप्शन है, इस पर जाके आप कैंसिल कर देंगे, कैंसिल पे क्लिक करेंगे और कुछ रिमार्क लिख देंगे कि किस वजह से आप कैंसिल कर रहे हैं। मान लेते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रॉन्ग एंट्री, इस तरीके से जिस वजह से आप पीओ को कैंसिल कर रहे हैं वो वजह लिख के सबमिट कर देंगे, आपका पीओ कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरीके से साथियों हमें अपना पीओ लगाना है और अगर कोई कमी आती है तो उसको इस तरीके से कैंसिल करना है। पीओ कैंसिल करते ही जहाँ आपने पीओ जिस लोकेशन पे पीओ लगाया था, जहाँ से आपको प्रोडक्ट मंगवाने थे, उस लोकेशन में भी दिखाएगा कैंसिल कर दिया है आपने अपना पीओ। तो साथियों जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि पीओ लगाने का प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा, अगर फिर भी पीओ लगाते समय कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे वीडियो के साइड में दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। धन्यवाद साथियों, जय बाइबल।